इस त्योहारी मौसम में हर कोई अपने बजट के अनुसार कार खरीदने की भी सोचता है, और इस समय जो सबसे बड़ा नाम कार उद्योग में आता है वो है मारुति सुजुकी, जो एक मिडिल क्लास की फेवरेट कार्स होती है। और आप लोग ने एक चीज़ का गौर किया होगा कि मारुति सुजुकी में दो प्रकार के शोरूम आप देखते होंगे, एक तो है मारुति सुजुकी एरिना और दूसरा होता है मारुति सुजुकी नेक्सा। तो फैक्टेड बाय विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिसमें हम आपको एरिना और नेक्सा के बीच में अंतर बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इतिहास बताते हैं। 1982 में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना गुड़गांव में की गई, और कार बनाने की प्रक्रिया सुजुकी लिमिटेड जो कि जापान की कंपनी है उनके द्वारा कार बनानी शुरू हुई, और शुरुआत के दिनों से ही ये मिडिल क्लास की पहली पसंद बन गई, और कार बाजार में इसका जो प्रतिशत था वो 70% से भी ज़्यादा हो गया, और धीरे धीरे सबके चहेते सब घर की पसंद कि ये कार बनाने लगी। स्टार्टिंग में आप जानते होंगे कि इनकी जो पहली कार थी वो थी मारुति 800, फिर उसके बाद इन्होंने जेन निकाली, फिर जिप्सी निकाली, और बाद में ओमनी वैन भी निकाली। तो इस तरीके के शुरुआती कार के मॉडल हुआ करते, और धीरे धीरे इनके सेगमेंट बढ़ते चले गए, और फिर इन्होंने महंगी कारें बनाना भी शुरू कर दिया जो कि एक प्रीमियम कार हुआ करती थी। और फिर धीरे धीरे जब कार का इनका कुनबा बढ़ता चला गया तो इन्होंने इन अपने शोरूम को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि एरिना और नेक्सा कहलाया। तो अब हम बताने वाले हैं सबसे पहले एरिना के बारे में। एरिना में वही कारें रखी जाने लगी जो लोगों की अपनी पहली कार होती थी। जो मिडिल क्लास के लोग होते थे अपनी पहली कार खरीदते थे, जैसे कि एल्टो 800, एस्टिलो, एस्प्रेसो इत्यादि, ये अपेक्षाकृत कम बजट की कारें होती थी। और आप इस फिगर में नीचे देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी कारें बजट में आती थी। और अब हम बात करने वाले हैं नेक्सा शोरूम की। नेक्सा शोरूम में प्रायः थोड़ी सी महंगी कारें रखी जाती है, जैसे कि इग्निस, बैलेनो, XL6 इत्यादि, ये सब प्रीमियम कारें होती हैं जो कि थोड़ी सी महंगी रहती है। और इसका जो नेक्सा का शोरूम होता है वो भी अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रीमियम होता है, जो किसी कॉफ़ी शॉप से कम नहीं होता। आप अंदर अगर जाएंगे तो ये कार का शोरूम कम और एक कॉफ़ी शॉप ज़्यादा लगता है। आप अगर किसी भी नेक्सा के शोरूम को बाहर से भी देखेंगे तो उसका लुक एकदम से प्रीमियम होता है, और जो कारें होती है वो भी प्रीमियम कारें यहाँ पर रखी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एरिना और नेक्सा के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।